तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Google Pixel फोन्स की। तो आपको पता होगा कि Pixel 3, Pixel 3 XL लॉन्च होने वाले हैं, अक्टूबर में Google उनको लॉन्च करेगा, पर ऑलरेडी बहुत सारे लीक्स हो चुके हैं। हमको ऑलमोस्ट पूरा पता है कि इन फोन का डिजाइन कैसा है, क्या क्या फीचर्स हैं। एक रशियन वेबसाइट ने तो ऑलरेडी पूरा एक रिव्यू भी निकाल दिया है Pixel का। तो ये सब जानने के बाद मुझे लगने लगा यार, Pixel फोन खरीदने का ना अब कोई सेंस नहीं बनता है। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी। तो जब गूगल के नेक्सस फोन आते थे तो उसमें वन प्लस के जैसा अप्रोच था गूगल का भी, कि मतलब फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस थे और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं सिर्फ वही हैं, और एक डिसेंट प्राइस में आपको एक अच्छा फोन मिल जाता था। अगर आपने नेक्सस 4, नेक्सस 5 यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि वो बहुत अच्छे फोन थे। और उस टाइम वो फोन इसलिए भी ज्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि उस टाइम सैमसंग और ये LG, इन लोगों की जो स्किन्स थी अपने जो एंड्रॉइड वर्जन थे वो बहुत ही ज्यादा लैगी होते थे। मतलब सैमसंग का खासकर आपको पता होगा टचवेस जो होता था, 3-4 महीने बाद सब लोग कहते थे कि भाई बहुत लैग करने लगता है, बहुत स्टटरी हो जाता है। तो इसलिए उस टाइम स्टॉक एंड्रॉइड लेने का बहुत ज्यादा सेंस बनता था क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता था कि 2 साल भी आप फोन यूज कर रहे हो तो उस फोन को कोई स्लो डाउन नहीं होगा, वो नॉर्मल स्पीड पे चलता रहेगा। पर अगर हम बात करें 2018 की, तो ये जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके जो एंड्रॉइड स्किन्स हैं वो इतनी ज्यादा रिफाइन हो गई हैं। जैसे वन प्लस का ऑक्सीजन OS है, अगर आप वो यूज करोगे तो वो इतना फास्ट है, इतना स्मूथ है। सैमसंग का भी सैमसंग एक्सपीरियंस जो पिछले 2 सालों से आ रहा है उसके फोन्स पे, अगर आपने कोई भी सैमसंग फोन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें से वो सब इशू खत्म हो गए कि 4-5 महीने बाद अरे स्लो हो गया है। नोट 8 में जितने भी लोग यूज कर रहे हैं सब लोग अभी तक बहुत खुश है क्योंकि सैमसंग के लिए वो ऑप्टिमाइजेशन बहुत कर ली है। और साथ ही साथ इन स्किन्स में फायदा ये होता है कि आपको फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। मतलब जो इन स्किन्स में फीचर्स 1-2 साल से आ रहे होते हैं वो फिर नेक्स्ट एंड्रॉइड में आते हैं जनरली स्टॉक एंड्रॉइड में। जैसे क्विक टॉगल्स बहुत पहले से आ गए थे HTC सैमसंग की स्किन्स में, और कस्टमाइजेशंस वन प्लस इतनी सारी ऑफर करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इन स्किन्स में मिलते हैं बट स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं मिलते हैं। तो स्टॉक एंड्रॉइड का यार मुझे वो नहीं समझ आता है कि आप क्यों लोगे, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड में ऐसा फील होता है आपकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो, आपके पास कस्टमाइजेशन के बहुत मिनिमल ऑप्शन होते हैं, थीम्स वगैरह आप कुछ यूज नहीं कर सकते ज्यादा, एक बेसिक सा लुक होता है जिसके साथ आपको स्टिक करना पड़ता है। तो ये था सॉफ्टवेयर। अब बात आ जाती है हार्डवेयर की। तो जब पहला पिक्सल लॉन्च हुआ था तब लोगों ने बहुत तारीफ करी थी गूगल की क्योंकि पिक्सल बहुत अच्छे फोन थे पहले वाले जो थे, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा था, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस था ही अच्छा, और कैमराज एकदम धांसू था उसमें। तो गूगल की बहुत तारीफ करी गई थी कि आपने पूरा हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर सब चीज अपने अंडर कंट्रोल कर ली है। तो उस टाइम जब पिक्सल लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद होगा उसी साल iPhone 7 लॉन्च हुआ था जिसमें हेडफोन जैक नहीं था, तो गूगल ने उसका मजाक बनाया था अपने पिक्सल के एड में कि वो हमारे पास तो हेडफोन जैक भी है। फिर आया पिक्सल 2, उसमें से गूगल ने हेडफोन जैक हटा दिया और उसका रीजन ये दिया कि भैया हमें बेजल छोटे करने थे। ठीक है, मान लिया हमने आपकी बात। फिर अब आ रहा है पिक्सल 3 जिसमें अब आप देखोगे कि उसमें नॉच भी आ रहा है। नॉच क्यों आ रहा है? क्योंकि आईफोन 10 में भी नॉच था। अब आईफोन 10 में नॉच था वो इसलिए था क्योंकि उसमें एप्पल ने कहीं भी बेजल नहीं छोड़े हैं। अगर आप नॉच के ऊपर देखो या स्क्रीन के नीचे देखो कहीं भी आपको एक्स्ट्रा बेजल नहीं मिलेगा, बिल्कुल एज टू एज स्क्रीन है। पर ये पिक्सल 3 एक्सएल में यार नॉच भी है इतना गहरा, नीचे भी चिन है, ऊपर भी थोड़ा सा बेजल है। अब आप कहोगे स्टीरियो स्पीकर के लिए है, वो बात मान गए भाई, बट फिर नॉच क्यों दिया आपने यार? स्टीरियो स्पीकर तो नोट 9 भी दे रहा है, S9 भी दे रहा है, सैमसंग दे रहा है उनमें, तो आप वैसा वाला दे देते फिर। हाँ, अब हार्डवेयर की बात कर ही रहे हैं तो भाई हेडफोन जैक हटाया था क्योंकि बेजल छोटे करने थे। यार एक बात बताओ, नोट 9 है फोन, उसमें हेडफोन जैक भी है, उसमें इतना बड़ा एस पेन की भी जगह है, और तब भी उसमें 4000 mAh की बैटरी है, और वो फोन में बेजल्स भी बिल्कुल कम है। तो मतलब, और वो वाटरप्रूफ भी है, याद रखिए वो वाटरप्रूफ भी है। तो मतलब अगर आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि हमें हेडफोन जैक इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि हमें बेजल कम करने थे, तो मैं नहीं मानता कि ये रीजन हो सकता है। बस आप आईफोन से रैंडम आप वो उठा रहे हो कि भाई ईयरफोन जैक हटा दिया क्योंकि आईफोन ने हटाया, नॉच डाल दिया क्योंकि आईफोन ने डाला, प्राइस भी उसका 1 लाख कर दो क्योंकि आईफोन का प्राइस 1 लाख है। बट क्या कर रहे हो गूगल, ये तो ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता यार। ये सब शाओमी करे तो समझ आता है, ये सब ओप्पो वीवो करे तो समझ आता है, तुम गूगल हो भाई। देखिए, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि पिक्सल 2 अच्छा फोन नहीं था, पिक्सल बहुत अच्छे फोन थे, उनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैमरा परफॉर्मेंस में तो आज के फ्लैगशिप को भी वो बीट कर देगा पिछले साल का फोन। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो इतना महंगा क्यों है?
वो भी सिर्फ एप्पल से कॉपी करी हुई चीज लग रही है मुझे कि ठीक है एप्पल आईफोन इतना महंगा आ रहा है $1000 का, तो भाई हम भी उतना ही महंगा फोन निकालेंगे 70,000-80,000 का, क्योंकि मुझे उसमें कुछ वैल्यू ऐड तो दिख नहीं रहा है। देखिए सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 9 भी लॉन्च किया 70,000 का, बट उसमें आपको एस पेन मिल रहा है, हेडफोन जैक मिल रहा है, बहुत बड़ी बैटरी मिल रही है और एस पेन के इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और पिक्सल अब फिर से लॉन्च होगा वही 70,000-80,000 का, हेडफोन जैक नहीं होगा उसमें और नॉच भी है उसमें, उसका डिजाइन भी इतना बेजललेस नहीं है, तो आप पैसे किस चीज के ले रहे हो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि गूगल को फोन निकालते रहना चाहिए, बट यार ये जो हाई प्राइस वाली स्ट्रैटेजी है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कब तक साथ देगी उनका, और वो भी जब आप रैंडमली एप्पल की चीजें कॉपी करते रहोगे। आप लोग को क्या लगता है कि गूगल को क्या वापस नेक्सस लाइन पे आ जाना चाहिए, या पिक्सल फोन्स का प्राइस ये जस्टिफाइड है जो 70,000-80,000 से स्टार्ट हो रहा है? आपके क्या थॉट्स हैं इस पे नीचे जरूर कमेंट्स में छोड़िए, मैं जरूर जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और इस महीने चल रहा था हमारा पोको F1 का गिव अवे, जिसमें हमें बहुत सारी एंट्रीज मिली है, हमने उसमें से चुन लिया है अपना पहला विनर। तो पहले विनर है मिस्टर मंजीत कुमार, और भूलिए नहीं अभी 3 और पोको F1 फोन्स बचे हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो वेट करिए, नेक्स्ट मंडे को हम एक और विनर अनाउंस करने वाले हैं, और कंपटीशन ये 20 सितंबर तक ऑन रहने वाला है, 3 और विनर हम अनाउंस करने वाले हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारा पोको F1 का गिव अवे चल रहा है, वो सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।